Now, I request Mahant Abhaydas Ji to come and say a few words to the audience. Shri Bal Gangadhar Nath Swami Ji, Vignatham Sansthan ke sabhi, yahan upasthit sammanit sabhi hamare adhyapak gan aur pradhan adhyapika mahoday hamare beech mein biraji hain, साथ ही हमारे समारोह के अतिथिगण, मेरे साथ में पधारे देश के जाने माने सफल उद्यमी आदरणीय प्रेम सिंह जी। आज मेरा पहली बार इस संस्थान के इस प्रांगण में आना हुआ। आज सहज ही मेरे बड़े आत्मीय और आदरणीय परम पूज्य स्वामी जी श्री निर्मलानंद नाथ स्वामी जी महाराज से मिलने का सौभाग्य मुझे दिल्ली के एक आवास में प्राप्त हुआ, जहां स्वामी जी ने सहज में ही एक पक्ष मेरे सामने रखा कि आज आपको हमारे विद्यालय की विजिट करनी चाहिए। और अचानक से यह कार्यक्रम बना। मुझे भी बड़ा अच्छा नहीं लगता है ऐसा किसी कार्यक्रम में बीच में से उठ करके जाना, लेकिन 10-15 मिनट की एक मेरी विजिट थी, शॉर्ट विजिट में भी मुझे इस पूरे विद्यालय का वास्तविक वातावरण समझ में आया। और यहाँ आने के बाद मुझे निश्चित तौर पर एक बात समझ आई कि इस विद्यालय में बच्चों के साथ होने वाले संवाद को, जिसे हम कहते हैं कन्वर्सेशन, उसे जिंदा रखने का कार्य किया जा रहा है। आप सभी बैठे हुए माता पिता से एक ही मेरा प्रश्न रहेगा, क्या आपके परिवार में यह संवाद जिंदा है? क्योंकि आज के जमाने में और इस दौड़ भाग की जिंदगी में, जहां भारत देश प्रगति के मार्ग पर है, वहां पर पारिवारिक और स्वयं की प्रगति के अपने ही जाल में हमने कॉन्वर्सेशन को खत्म कर दिया। आपके बच्चों के साथ या आप दोनों के बीच ही, या आपका आपके बड़ों के बीच कितना संवाद जिंदा रह पाया है, इस बात के बारे में जरूर सोचिएगा। और ये संवाद का देश रहा है, कॉन्वर्सेशन हमारी रग रग में है। और सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा हूं, यह आदि अनादि काल से जब से भारत देश में सनातन संस्कृति के ध्वज संवाहक हमारे ऋषि मुनियों ने इस देश में आकर इस देश की अस्मिता को, इस देश की इस सनातनीय वैदिक परंपरा को जीवित रखने का कार्य किया। आप में से कितने लोग हैं जिसने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है? श्रीमद् भगवद गीता संवाद पर स्थापित है, उसके मूल में है कॉन्वर्सेशन। अर्जुन न पूछता तो संवाद कैसे शुरू होता? क्या अर्जुन ने बोलने से पहले यह सोचा था कि मेरे सामने साक्षात परब्रह्म जगतगुरु योगीराज कृष्ण है, वो तो सब जानते हैं, वो तो अपनी शक्तियों से सब ठीक कर देंगे? लेकिन फिर भी उन्होंने कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट किया। भागवत महापुराण किस किस ने सुनी है अपने कानों में? भागवत में पहला संवाद शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से करते हैं। और आपको पता है, हमारे जितने शास्त्र और जितने पुराण लिखे हैं, उसमें जब जब ऋषियों से, जब जब गुरुओं के सामने कुछ प्रश्न किया गया हो, उसमें इतना सा भी संकोच नहीं हुआ। आज पति पत्नी से बात करने से पहले संकोच करती है, बच्चे माँ बाप से बात करने से पहले संकोच करते हैं। ये देश की सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं कि हमारे घरों में हमारी बेटियां हैं जो संवाद को बना करके रखी है। बेटियों के पास माँ है, जहां पर संवाद बहुत आसानी से होता है। क्या आपने अपने घरों में बैठे हुए अपने बच्चों के बारे में सोचा जिनसे संवाद करने के लिए कोई नहीं है? आज हमारे घरों में बेटों के साथ परिवार का संवाद जो है वो टूट चुका है। यही कारण है कि बेटा वो संवाद ढूंढने के लिए घरों से बाहर अपने उम्र के मित्रों के पास भटकता है और अपने दिल की बात अपने दोस्तों को जाके कहता है। न वो अपनी माँ से कह पाता है, न वो अपने जो प्रधान होता है, घर में बड़ा होता है, घर में कमाऊ पिता होता है, उसके सामने नहीं कर पाता। शायद यही कारण है कि हमारे घरों से संवाद गया और वही संवाद हमारे विद्या के स्थलों से, विद्या केंद्रों से गया। और इसी संवाद को जिंदा रखने का कार्य ये BGS
विजनाथम विद्यालय जैसे संस्थान करने का कार्य कर रहे हैं, जो आपके बच्चों में भी वह ललक जगा रहे हैं कि बेटा तू पूछ। So there is one thing missing which is in our house, that is conversation. हमें उस संवाद को जिंदा रखने का कार्य करना है। आज आपके बच्चों के भविष्य को मैं आपके सामने देख रहा हूं, बिना संवाद गायन भी नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ बोलने के लिए अंदर से आत्मबल को जीवित करना पड़ता है। आज इन बच्चों ने जो गाया, मैं मैडम के उस वाक्य से बहुत प्रभावित हूँ जो प्रिंसिपल मैडम ने आपके सामने रखा कि हम अलग अलग कलर के जो बलून हैं, इसके अंदर क्या है वह महत्वपूर्ण है। लेकिन आज मैडम मैं इस बात को एक और मोड़ देना चाहता हूँ, उस बलून के अंदर क्या है यह तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उस बलून को किस स्थान पर ले जा करके छोड़ा जाए यह भी महत्वपूर्ण है। किसी बिल्डिंग के, किसी बेसमेंट में, किसी पेड़ के नीचे, किसी बाड़ में, कांटों के बीच में छोड़ दिया तो वो बलून फूट जाएगा और वो अनुभव भी वेस्ट हो जाएगा। हमें बलून को खुले मैदान में उस धरातल पे छोड़ने का कार्य करना है जहां वो उन्मुक्त होकर ऊंचाइयों को भी छुए और अंतिम यात्रा को प्राप्त करे, यह महत्वपूर्ण है। और मैं इसी बात के साथ ज़्यादा बाधा नहीं बनूंगा, बस इतना ही कहूँगा, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। हमें उन हिरण की भांति जंगल में नहीं घूमना है जो बिना तप, बिना दान, बिना ज्ञान, बिना शिक्षा दीक्षा व्यवस्था के ऐसे ही मृग की भांति घूमे जो कस्तूर की सुगंध को ढूंढता ढूंढता वन में भटकता है। हमारे ये बच्चे, इन्हें पता है कि वो कस्तूरी कहाँ है, इन्हें पता है कि वो सुगंध कहाँ से आ रही है, इन्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परम गुरु जैसे महापुरुष के शरण में ये बच्चे पढ़ रहे हैं। आप सभी सौभाग्यशाली हैं, मैं विटनेस हूँ, मैंने अपनी आँखों से कर्नाटका में जहाँ मोर देन 500 इंस्टीट्यूट दे हैव, मैंने देखे हैं अपनी आंखों से एक एक इंस्टीट्यूट जो है कर्नाटका में, जिसकी जिसकी नींव हमारे पूज्य स्वामी जी के हाथों रखी गई हो, और उनका विजन देखिए, जीते जी बड़ी बड़ी सरकारें जो काम न कर पाई वो पूज्य स्वामी जी ने करके दिखाया। और आज मेरे आदरणीय बड़े भ्राता, मेरे बड़े ही आत्मीय, मेरे अच्छे मित्र परम पूज्य निर्मलानंद नाथ स्वामी जी महाराज ऐसे संस्थानों को खड़ा करके कर रहे हैं। ये बिल्डिंग किसी बहुत बड़ी सिटी के सेंटर में नहीं है। कौन, अगर कोई व्यावसायिक दृष्टि से देखे तो ऐसी बिल्डिंग यहाँ खड़ा करके कौन सा कोई प्रॉफिट निकाल लेगा अगले 50 सालों में। लेकिन उनकी विजनरी देखिए, उनको एक साधु जब कुछ करता है, कुछ सोचता है तो क्या सोच कर करता है कि यहाँ अगर मैं खड़ा करूँगा मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, लेकिन 50 साल बाद जब हर घर में बच्चा बोलेगा जय श्री गुरुदेव, उसी दिन उनका कार्य, उनका धन, उनका वैभव सफल हो जाएगा। सर, ये जय श्री गुरुदेव के नारे के साथ, नमस्कार के साथ स्थापित किया हुआ संस्थान आप सब लोगों के खिले हुए चेहरों से स्थापित होता है। आप भी खुश हैं, मैं भी प्रसन्न हूँ। बस जाते जाते इतना कहूँगा, अपने संवाद को जिंदा रखना, आपस में भी, बड़ों से भी, बच्चों से भी, और स्पेशली आपके घरों में जन्मे अपने बेटों से संवाद भी शुरू करें, यह ज़्यादा आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल आशीर्वाद आप सभी को।